जय हिंद भाइयों, मैं सचिन फौजी बाड़ा गांव का फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य हूँ। आप सब ने सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखी होगी, 14 साल की एक बेटी जो कि 9वीं क्लास की छात्र, उसकी गैल्या गैंग रेप कराया गया है, और वो भी 5-6 लड़के जिनकी उम्र 25-30 साल की ऊपर ऊपर है। अगर किसी ने घटना का नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं हूं, और फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से भी इस घटना में पूरा समर्थन और पूरी कार्रवाई करी जाएगी। एक बेटी स्कूल में जान लाग रही थी और स्कूल के आगे तक कुछ दूर तक उसने किडनैप कर लिए गए ये 5-6 लड़के हैं जो गाड़ी में आए, और उसके बाद चलती गाड़ी में इसकी गल्ला गैंगरेप कराया है और फिर होटल में ले जाया गया है। रोहतक का एक होटल है मानसरोवर पार्क के पास, और उड़े फिर गैंगरेप कराया है इस बेटी के लिए। आज ई प्रिजना तो मेरी बात हुई थी आज सुबह, वह बेटी तड़पण लाग रही और इस हालात में है, वह बच्चे की कि नहीं इसका पता ही नहीं है। मारा पूरा समाज ई हिंदू मुसलमान में बट रहा था और लड़न लाग रहे थे आपस में, लेकिन इस घटना में सारे समाज ने फिर एकजुट होकर है सारे जाति धर्म अलग धरकन है सारे समाज ने आवाज उठानी पड़ेगी, और इसकी बहुत गड़ी जरूरत भी है। आज हमारी बेटियां गेलियां जो भी चीज होने लाग रही है ना, इससे डर की वजह है माँ बाप बेटी पैदा करने तक डरे हैं। कदे मारे बेटी पैदा हो और उसके बाद इसी घटना होगी तो पूरी जिंदगी बदनामी बेटी की गेलियां कलंक लाग जाए है। घने परिवार इसे हैं जो इसे इसे डर के वजह तो नहीं था, बेटी किसी ने भूडी नहीं लागती, सारी बेटी सब ने प्यारी लागे हैं अपनी। और समाज जो यह कार्रवाई हुई है मेवात में, जो कार्रवाई हुई है जिनने भी दंगे करे हैं जो भी कराया है, उसमें तुरंत बलडोजर चला दिया गया, और आज वह बेटी हमारी अस्पताल में तड़पण लाग रही है। तो सरकार तक भी या पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ अपील करूं हूं मैं कि तुरंत इस पर सारे तो वह जो दोषी है वह पकड़ने चाहिए, और हम तो उन दोषियों की फांसी की मांग कर रहा हूं। और दूसरी वो जो होटल आला है और जो भी इसके माध्यम है, किसी की गाड़ी हो या किसी का होटल हो, सारे पर बलडोजर चलाने की मांग कर रहा हूं। जब पत्थर किसी पर बरसाए जावे हैं जित वह घटना हुई है, और याद एक बेटी की पूरे समाज की बेटिया की इज्जत का सवाल है, उन न्याय जब मिलेगा जब इसी कार्रवाई तुरंत सरकार करे। और पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से कल उस बेटी के परिवार द्वारा साथी जाओ भी गए, और पूरे हरियाणा के जितने भी सदस्य हैं ग्रुप हैं फौजी भाईचारा ग्रुप के जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, अगर सरकार इसमें तुरंत कार्रवाई नहीं करती है तो हरेक जगह पर सारे थाने में तहसीला में जाकर ना फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से भी अपना घोषणा पत्र रियो दिया जाएगा कि भाई तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई सारे समाज तक भी यह अपील करा हाँ, इस बेटी के न्याय खातर पूरे समाज में जितने भी भाई हैं सोशल मीडिया चलावे हैं या कुछ भी चलावे हैं, इस बेटी की न्यूज शेयर करके ना इतना दबाव सरकार पर बनाना है कि कल नया घटना किसी की गल्ला भी नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि घटना एक बेटी के लिए वह है लेकिन भुगतना पूरे समाज की बेटियां न पड़े है, पूरे समाज में डर हो जाए है। और आज ये हमारी बेटी जो या घटना हुई है इसकी के लिए हुई है ना, कल नहीं इसकी जगह अपने परिवार की भी कोई बेटी हो सके है। तो आज देख लो भाई, 14 साल की मासूम लड़की, उसने कितनी के समझ होगी समाज की, ना सही गलत का बेरा ना, और 9वीं क्लास में वह पढ़ रही थी, बेरा नहीं के सपने होंगे उस बेटी के, और आज वह अस्पताल में तड़पण लाग रही है। कुछ जो गिरी और मानसिकता के बालक है ना, उनके कारण वह बालक क्यों कर अपनी मात है अरबे बेद घर जाकर नजर मिलाऊंगे हम यो काम कराए, और उनके परिवार ने भी जब बेरा लागेगी ना कि मारे मारे बालक भी हैं, वह शर्मताऊ मर जाएंगे। तो पूरे समाज ने यह मतलब अपील करा हाँ भाई फौजी भाईचारा ग्रुप की तरफ से, सारा समाज इस घटना में परिवार का साथ दो। निर्भया कांड जिक्र होया था ना चलती बस में, इतना बुरा हाल उस बेटी के लिए कराया गया था निर्भया के लिए, ईसाई कांड इब रोहतक में होया, हर पूरे समाज ने निर्भया कांड की डाला आगा आकर ने पूरे हरियाणा, हरियाणा नहीं पूरे देश के पूरी पब्लिक ने आवाज उठानी पड़ेगी और सरकार पर दबाव बनानी पड़ेगी। जब पब्लिक आवाज उठाओगी ना, जब सोशल मीडिया पर सारे गयो मुद्दा वायरल होगा, तो सरकार ने कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सरकार ने अगर या बुलडोजर वाली कार्रवाई उस पर तुरंत कर दी ना, तो हमारी नजर में भी सरकार की इज्जत आज किसी ये है
लेकिन बहुत गड़ी बढ़ जाएगी। तो एक फौजी होने के नाते, फौजी भाईचारा ग्रुप का सदस्य होने के नाते, पूरे ग्रुप की तरफ से मैं सरकार तर जनता तक अपील करूं हूं, इस पीड़ित परिवार का साथ दो। और कल पूरे फौजी भाईचारा ग्रुप के सदस्य भी परिवार तक मिल आऊंगे, आज सुबह बात हुई थी, तो बहुत मदद की जरूरत है उस परिवार ने। जय हिंद, जय भाईचारा।